हे गाइस, वेलकम टू स्टार्क टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में हैं, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले सीबीएसई रीडिंग चैलेंज में जो सर्टिफिकेट डाउनलोड प्रॉब्लम आ रहा था उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड मैंने दो वीडियोस बनाया था जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, फिर भी दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे पता चला है ऐसी सर्टिफिकेट डाउनलोड के रिगार्डिंग जो कि सीबीएसई रीडिंग चैलेंज में है उसके बारे में। और सीबीएसई वालों ने भी कुछ उसमें जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बताया था कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा, उसके तीन चार कंडीशन, उस कंडीशन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तीन चार कंडीशन को आपको पूरा करना होगा तभी शायद आपको जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाए, या फिर लेकिन एंडली आपको लास्ट तक सर्टिफिकेट वहाँ पर मिल ही जाता है। ये तीन चार कंडीशन अभी हम लोग देखने वाले हैं, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, और सीबीएसई रीडिंग चैलेंज से रिलेटेड मैंने ढेर सारे वीडियोज बनाया है रजिस्ट्रेशन आंसर की और उसके ब्रीफ डिटेल के बारे में। तो सारे वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग तीन चार कंडीशन को देख लेते हैं। ये तीन चार कंडीशन अगर आप फॉलो करते तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड विद इन 7 to 10 days ऑफ वर्किंग डेज इफ द कोर्स हैज बीन 100% कम्प्लीटेड एंड मिनिमम ऑफ 70% स्कोर हैज बी अटेंड इन द कोर्स असेसमेंट। मतलब कि यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट 7 से 10 दिन के अंदर भी आ सकता है, और या फिर 1 दिन के अंदर भी आ सकता है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, 1 दिन के अंदर आने वाला। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 100% कोर्स कंप्लीट होगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 70% अगर आप स्कोर करते हैं तभी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलने वाला। तो इसके आंसर्स की जो आंसर्स की है मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियोज को जाकर देख सकते हैं। और 70% से भी ज़्यादा आपका 100% स्कोर होने वाला है, उसका मैंने सही आंसर्स बनाया, और सारे क्वेश्चंस ऑलवेज सेम ही आते हैं। तो वो वीडियोस को आप जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, इट मे टेक अप टू 24 आवर फॉर एक्चुअल कोर्स प्रोग्रेस टू सिंस रिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी दिखाता है कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद, 100% कंप्लीट होने के बाद भी ऑनगोइंग शो करता है, लेकिन इसमें ये यहाँ पर साफली लिखा हुआ है, यहाँ पर मतलब क्लियरली लिखा हुआ है कि 24 आवर्स के बीच में ये आपका अपडेट हो जाता है। कुछ रीजंस की वजह से अपडेट नहीं होता, सर्वर पर ज़्यादा लोड होने के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिछले कुछ वीडियोस में भी मैंने बताया कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑनगोइंग शो करता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया। ये वाला जो इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन ये सीबीएसई के नोटिफिकेशन में ही आया था, वहां से मैंने इसे कट किया है, और जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पार्टिसिपेंट विल हैव टू अचीव मिनिमम 70% टू अटेन द सर्टिफिकेट, जो मैंने सेम बताया था कि 70% आपको स्कोर करना होगा। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि जिसमें एक बच्चे ने बताया था कि उसने फर्स्ट टाइम में ट्राई किया तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग किया था, मतलब क्वेश्चंस के आंसर को रॉन्ग किया था, बट सेकंड टाइम जब उसने ट्राई किया तो उसे मतलब सर्टिफिकेट मिला क्योंकि उसने अच्छा स्कोर किया था उसमें। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चौथा है, यहाँ पर लिखा था नेम इन द सर्टिफिकेट विल बी सेम एज द वन डेट रिफ्लेक्ट इन योर यूजर प्रोफाइल ऑन दीक्षा। तो इसमें यही बोला गया है कि आपका प्रोफाइल में जो नेम है वही आपका सर्टिफिकेट में दिखने वाला। तो आप इंश्योर रहिए कि वहां पर आपका सही नाम हो, जैसे कि मेरा नाम प्रभात कुमार, तो मैंने अपने प्रोफाइल में प्रभात कुमार ही डाला, यानी कि स्टार्क टेक्नोलॉजी डाला हूँ। तो यहाँ पर आप वहां पर अपना प्रोफाइल को चेक कर लेंगे। तो आपको ये चार कंडीशन को कंप्लीट करना है तभी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलने वाला है। तो इन चार कंडीशन को आप फॉलो करिए, और जितना भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाया है सीबीएसई रीडिंग चैलेंज से रिलेटेड उन वीडियोस को जाके देखें। अगर कोई दिक्कत आती है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में, आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और कुछ कमेंट्स रिव्यू में रहते हैं तो मैं उसे देख नहीं पाता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब वाले ऑटो सेलेक्ट करके उसे अंडर रिव्यू में रख देते हैं। कुछ कमेंट्स थोड़े अजीब टाइप होते हैं, अनवांटेड कमेंट्स होते हैं। तो कुछ कमेंट्स में, जैसे एक कमेंट था जिसमें फोन नंबर मांगा गया था मेरा, तो उसे यूट्यूब ने खुद एज अ प्राइवेसी के थ्रू में उसे ज़्यादा हायर लेवल पे ले लिया उन्होंने, और उसे अंडर उसे इसके लिए रखा गया, उसे रिव्यू के लिए रखा गया। तो उन कमेंट्स को मैंने पहले रिव्यू किया, उसके बाद अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी वो रिव्यूज में आता है। तो आप कमेंट्स अच्छे से करें, और आप क्या कहना चाहते हैं क्लियरली बताइए, मैं सारी चीज़ों का रिप्लाई करता हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि कैसे आपको इन चार टर्म्स को कंप्लीट करना है तब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलने वाला। तो आपको इन चार टर्म्स को कंप्लीट करना होगा, और अगर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट करें, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लें। और मैंने जो एक पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जो मेरा फ्रेंड है जो कि मनोवर, जो कि वीडियोज़ बनाता है फनी ब्लॉग्स, तो आप उसके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में किस तरह वो ब्लॉग बहुत अच्छे बनाते हैं, फनी वीडियोज़ ब्लॉग बनाते हैं, तो आप उनके शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अगर कोई आपको एक और दिक्कत आती है कि कभी कभी आप बोलते हैं कि सर्टिफिकेट में ये ब्लैक आ रहा है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद,
तो इसको आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आप सर्टिफिकेट को पीएनजी में नहीं पीडीएफ में डाउनलोड करें। पीडीएफ में भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो स्क्रीन अगर ऐसे आप शेयर करते हैं तो आपको वहां पर वो नहीं मिलने वाला है, वो ब्लैक में आ जाता है, मतलब वो ब्लैक कलर में दिखने लगता है, वहां पर जो भी डिटेल है वहां पर वो नहीं दिखता। तो आप आई होप आपको वो समझ में आ गया कि आप पीडीएफ में ही डाउनलोड करें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो और कौन सी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए उसके बारे में आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियोस रेगुलरली डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी स्कूल चालू है तो इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस को डालूँ, और विंटर ब्रेक आने वाला है तो आई होप मुझको टाइम मिलेगा तो मैं इनमें इस बीच में वीडियोज को डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।